गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और आप सभी हैं ज्ञान रुचि ब्लॉग चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल, छिलके वाली मसूर दाल, जिसको मलका मसूर भी कहते हैं। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आप हमारी सारी वीडियो देख सकें। तो चलिए हम झटपट से मसूर दाल बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 150 ग्राम मसूर दाल, छिलके वाली दाल है। आप लोग देख सकते हैं ये छोटा वाला मसूर है जो हमने लिया है 150 ग्राम। और यहाँ पर हमने 2 प्याज ले लिए हैं, 1 आड़ी लहसुन ले लिया है, 3 हरी मिर्ची ले लिए हैं। तो हम ये पूरा लहसुन नहीं ऐड करेंगे, 8 से 10 कलियाँ ही हम इसमें यूज़ करेंगे। और इस दाल में हम पानी डालकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। जब तक ये हमारी दाल भीगेगी तब तक हम अपना प्याज, टमाटर और लहसुन काट लेते हैं। तो ये हमने 2 प्याज लिए हैं, छील लिए हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। इसी तरह से हम लहसुन की भी छोटी छोटी टुकड़ों में लहसुन की कलियां भी काट लेंगे। और इन सभी प्याज और लहसुन को हम पीसेंगे नहीं, ऐसे खड़ा खड़ा ही हम डालेंगे। और टमाटर भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिए हैं, छोटे टमाटर। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो आप 2 ले सकते हैं। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। जब कुकर हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं या कोई और तेल से अगर आप सब्जी बनाते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 1/2 चम्मच जीरा हमने लिया है और 1 टुकड़ा हमने लिया है दालचीनी का। तो ये दालचीनी का टुकड़ा है और जीरा है, हम इसको तेल में डालकर तड़का लेंगे। जब ये जीरा और दालचीनी का टुकड़ा हमारा पक जाएगा तो हम इसमें लहसुन की छोटी छोटी कलियाँ डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे जो हमने तोड़ कर डाली है, बिल्कुल भी छोटी नहीं काटी है हमने, थोड़ा बड़ी बड़ी मिर्ची ली है। तो आप अपने अनुसार डाल लीजिए, चाहे छोटा कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा मिर्च डाला है और ये मिर्च और लहसुन हमारा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमने छोटा छोटा काट लिया है तो ये हम प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को पकाएंगे। जब तक ये हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता प्याज, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। जब ये हमारा प्याज अच्छे से पक जाएगा तभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, टमाटर हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम मसाले डालेंगे। मसाले जब हम डालते हैं तो हमारी जो सब्जी है या दाल है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो हम प्याज में ही हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच और हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने अनुसार रख लीजिए। गर्म मसाला हमने 1/2 चम्मच डाल दिया है और 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। यहाँ पर एक चम्मच मीट मसाला भी डाल दिया है क्योंकि ये मसूर दाल है, इसमें मीट मसाला डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पका लेंगे। जब तक ये हमारे मसाले पकेंगे नहीं तब तक हम इसको पकाते ही रहेंगे। ऐसे ही धीमी आंच पे हमको ये मसाले पकाने हैं। और जब ये मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे तेल छूटने लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मसाले से तेल निकलने लगा है। और इसी कंडीशन में हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए टमाटर, जो हमने छोटे छोटे टुकड़े टमाटर के काट के रखे हैं वो हम इसी में डाल देंगे। और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक। नमक जब हम टमाटर के साथ ही डालेंगे तो हमारे टमाटर जल्दी गलेंगे। तो नमक डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो ये दाल हमारी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहती है। तो हमने टमाटर डालकर नमक डालकर ढक दिया है। ढक्कन को हम 2 मिनट के बाद उठा लेंगे और इसको चलाने के बाद हम फिर से भीगी हुई अपनी जो हमारी मसूर दाल है वो दाल भी हम इसी में डाल देंगे। दाल डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी आप अपने स्वाद के अनुसार रखें, जितना आपको पसंद है। अगर आप थोड़ा गाढ़ी दाल बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए और कम डालिए। अगर ज़्यादा पतली दाल आपको पसंद है तो पानी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और 2 गिलास पानी डालने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने पर हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि ये दाल हमारी भीगी हुई है तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और 2 सीटी आने पर हम दाल उतार लेंगे। तो हमारी दाल पूरी तरह से पककर तैयार है। अब हम ढक्कन को उठाएंगे तो देखिए हमारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। और इसको हम चलाकर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारी दाल कैसी पकी है। तो देख सकते हैं आप लोग कि अच्छी तरीके से हमारी दाल पक गई है। और अब हम इसको नीचे उतारेंगे। आप चाहो तो इसमें तड़का भी लगा सकते हो ऊपर से। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
तो हमने नॉर्मल तेल ही यूज़ किया है, तो हमने सिर्फ एक बार तेल डाला है, दोबारा हम इसमें तेल नहीं डालेंगे। आप लोग ऊपर से भी तड़का लगा सकते हैं। तो इस दाल को हम पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में। आप लोग देख सकते हैं कि बढ़िया सी हमारी दाल बनकर तैयार है, ना बहुत गाढ़ी है और ना बहुत ही पतली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस दाल को एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी दाल लगती है चावल रोटी के साथ। तो हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट ये दाल लगती है। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।